हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है संक्रांत, 14 तारीख है आज और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं आपके साथ करूंगी मॉर्निंग रूटीन शेयर मकर संक्रांति से। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा प्लीज़। तो मकर संक्रांति पे होता है दान थोड़ा बहुत, जैसे मूँगफली गज्जक और खिचड़ी का दान होता है, मैंने निकाल के रख दिया है। तो जो अगर मैं गली में कोई आएगा, शनि महाराज आते हैं वैसे तो लेने के लिए हर दीवार का, उसको दे देंगे, नहीं तो फिर मंदिर में पहुंचा देंगे। तो ये खिचड़ी, मूंगफली, रेवड़ी और ये सब चीज़ का दान होता है। आज का पैसे भी, कपड़े, सब चीज़ देते हैं, जिसे जो बने वो दे दे, अपनी श्रद्धा है। तो मैंने ये थोड़ा सा निकाल के रख दिया है बांध के, जो भी कोई आएगा, शनि महाराज आते हैं वैसे उनको दे दूँगी मैं। और मेरी बहन ने दिया था मुझे सूट, तो दान करते हैं आज के दिन, जितना दान हो जाए उतना ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा होता है, घर के लिए शुभ माना जाता है। तो मेरी बहन ने मुझे ये लोरी पे सूट दिलवाया था आज के मकर संक्रांति के दिन का, बोल रहे थे कि ये मकर संक्रांति का सूट है जो मैं तुझे दिलवा रही हूँ। तो पता नहीं कैसा लग रहा है, और काम मेरा सारा हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है। आज के दिन सब जल्दी नहा लेते हैं सूरज निकलने से पहले पहले, और ठंड भी बहुत होती है आज के दिन। पूरे सर्दी के सीजन में आज के दिन सबसे ज़्यादा ठंड होती है, और दो दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है। 14-15 तारीख से दो दिन बहुत ज़्यादा ठंड है, अब की बार दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ रही है। वो सब्जी नहीं थी तो मैंने सब्जी ली है, ये थोड़ी बाजार वगैरह तो लग नहीं रहे हैं, और काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा, बस वंशिका नहाने जा रही है। अभी वंशिका नहीं नहाई है और निधि भी नहाने वाली है, कपड़े निकाल रही है। तो कैमरा देख के निधि छुप रही थी, अलवारी में से कपड़े निकाल रही थी अपने। तो निधि वंशिका नहाने जा रही है, उसके बाद निधि नहाएगी और मैं नहा चुकी हूँ। तो जब तक अभी दूध गर्म कराया है, और तो ये मैं सब्जी निकाल के रख दूँगी। गली में ही आते हैं काफ़ी सब्जी वाले, बाजार तो नहीं लग रहा है कोई सा भी हमारे यहाँ का। एक हमारे यहाँ पे शुक्र बाजार और बुध बाजार, दो बाजार लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं लगने दे रहे हैं। तो गली में से ही सब्जी ले रही हैं, 5 से 10 सब्जी वाले रोज़ गली में आते हैं। काफ़ी अच्छा खासा बाजार गली में ही लग रहा है अभी फ़िलहाल, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है, मैं उन्हीं को पन्नी में से निकाल के वॉश करके रखूँगी। जैसे कि बीमारी चल रही है तो एहतियात से रहना चाहिए, तो बस मैं इनको रख दूँगी। तो थोड़ी सी देर इनका पानी निचल जाएगा, तो वही मैं सारी सब्जी निकाल देती हूँ अभी। करके रखते हैं, और अपने नाम के नाश्ता बच्चों के लिए, और आज नहा धो के ही तभी नाश्ता करते हैं, उससे पहले कोई नहीं करता है, नहा धो के ही चाय पीते हैं। तो बस सबका नहाना धोना हो गया है, और पहले तो हम जब
बचपन में 4 बजे नहा लेते थे गांव में, और उसके बाद फिर आग जला के हाथ सीखते थे सुबह तक 6-7 बजे तक। लेकिन अभी वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना फॉलो करते हैं हम। तो सूरज निकलने से पहले ही नहा लिए थे, हाँ 6:30-7 बजे तक सब नहा चुके थे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है, सारा काम हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, तो आज सभी नहा के चाय पियेंगे। नाश्ता तो नहा के करते हैं, लेकिन आज चाय भी हम सब नहा के ही पियेंगे। तो चाय बन गई है हमारी, तैयार है, आ जाइए आप भी पी लीजिए। और आज के दिन खिचड़ी बनती है खाने में सुबह के टाइम, तो वो कुछ नहीं बनता है, तो मैं खिचड़ी तो बनाऊंगी नहीं वैसे तो, लेकिन हाँ चावल छोकूंगी। चावल रखे थे रात के, हमने किसी ने भी नहीं खाए थे, ज़्यादा थे तो थोड़े बहुत ही खाए थे। बाहर से बच्चे फास्ट फूड वगैरह ले आए थे तो वो खा लेते, तो सारे के सारे चावल ऐसे ही रखे थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खिचड़ी बनाऊंगी तो फिर ये चावल ऐसे कैसे पड़े रहेंगे सारे, तो मैं ये चावल में तड़का लगाऊंगी। अभी मैंने मटर ली थी तो मटर छीलने हैं मैंने सारी, और टमाटर मैं इन चावलों में मैं छोंक लगा दूंगी, तो हम नाश्ते की बातें खा लेंगे और काफ़ी अच्छे लगते हैं खिचड़ी से भी अच्छे। तो बस समझ लो कि ये खिचड़ी ही बन गई है एक तरीके से, तो ये मैं नाश्ते में बनाऊंगी चावल, और फिर उसके बाद में देखती हूँ कि क्या बनाऊंगी। और ये देखिए चावल हमारे उनके तैयार हो गए हैं। आप इनको चावल, मटर के चावल, खिचड़ी कुछ भी बोल सकते हो, तो जो नियम था वो हो चुका है, चावल बन खिचड़ी बन गई है। आ जाइए आप भी खा लीजिए। और आज के दिन ही मेरे भाई का बर्थडे भी होता है 14 तारीख को, तो मेरे भाई का बर्थडे भी है। प्लीज़ मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिएगा कि उसको खुश रहे हमेशा, उसकी लाइफ में कोई दुख ना आए। तो ये भैया ने वीडियो, मम्मी ने भेजी थी वीडियो, भाभी ने, सॉरी, उसका बर्थडे है आज। तो मेरी मम्मी आज भी मेरे भाई का केक कटवाती है, तो मेरे भाई केक काट रहा है। इसका बर्थडे होता है हर बार संक्रांति का, हर त्यौहार की तारीख बदल जाती है, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसकी तारीख नहीं बदलती है। ये हर साल आज 14 तारीख को ही आता है, 14 जनवरी को। तो मेरे भाई का भी बर्थडे 14 जनवरी का है मकर संक्रांति पे, तो प्लीज़ इसको आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय। फोटो खींच दो।